दिल्ली में बीजेपी का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन है और ये जो अधिवेशन है वो आज भी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस अधिवेशन में शामिल होंगे। उत्तराखंड के सभी दिग्गज नेता, विधायक बीजेपी के और कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे इस अधिवेशन में। उत्तराखंड से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी पदाधिकारी भी बुलाए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये जो अधिवेशन है बीजेपी का बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। इस अधिवेशन में असल में जीत का मूल मंत्र क्या है, इस पर चर्चा होगी और ये मूल मंत्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कंधों पर बड़ा जिम्मा है कि 2024 के इलेक्शन में वो कुछ कमाल कर दिखाए, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही बीजेपी अगला चुनाव लड़ रही है। हालांकि बड़ा चेहरा, खास चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, लेकिन ये बीजेपी की बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि नारा 400 पार का दिया गया है, एनडीए 400 पार। इस बात पर जोर कल भी प्रधानमंत्री ने हरियाणा में एक जनसभा के दौरान दिया था। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं नासिर हुसैन, हमारे संवाददाता देहरादून से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं नासिर, ये 5 लोकसभा की सीटें बहुत ज्यादा अहम बीजेपी के लिए, क्योंकि एक एक सीट पर बीजेपी का फोकस है। जब एनडीए 400 पार का नारा दिया जाता है तो इसमें हर सीट का महत्व ज्यादा दिखाई देता है। ऐसे में उत्तराखंड की 5 सीटों पर क्या ध्यान देते हुए आपको लगता है कि बीजेपी उस स्तर की रणनीति अख्तियार कर रही है कि अपने विरोधियों को पूरी तरह से पस्त किया जा सके, और ये जो अधिवेशन है ये कैसे मदद करेगा उत्तराखंड में माहौल बनाने के लिए बीजेपी के पक्ष में? देखिए कमल, आपने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी लगातार चुनाव को लेकर के मजबूत तैयारियां करती रहती है और रणनीति बनाती रहती है, और इस अधिवेशन के माध्यम से भी यही रणनीति बनाई जा रही है कि आखिरकार जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो कैसे लड़ा जा सके, इसके लिए क्या कुछ रणनीति तैयार की जा सके, और साथ ही साथ क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन उन मुद्दों को कैसे जनता के सामने रखा जा सके और इन तमाम रणनीति के तहत कैसे जो टिकटों का बंटवारा हो, ये तमाम चीजें इस अधिवेशन में जरूर आ सकती है, क्योंकि अधिवेशन राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन इसलिए बुलाया गया है कि तमाम राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस अधिवेशन में शामिल होंगे। उत्तराखंड राज्य के भी तमाम जो बीजेपी के प्रतिनिधि है वो इस अधिवेशन में शामिल होंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और इसके अलावा जो प्रदेश प्रभारी हैं वो इस अधिवेशन में शामिल होंगे। साथ ही साथ तमाम जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए पदाधिकारी, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, विधायक हो या सांसद, तमाम लोगों को इस अधिवेशन में इसलिए भी बुलाया गया है कि हर राज्य की नब्ज टटोलना चाहती है बीजेपी के जो केंद्रीय नेता, क्योंकि नब्ज टटोल कर ही पता चल पाएगा कि कहाँ कमी रह गई है और कहाँ किस कमी को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। इसीलिए जो भी ये अधिवेशन बुलाया गया है ये इसको बिल्कुल चुनावी तैयारी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है लोकसभा चुनाव को लेकर के, इससे पहले तमाम रणनीति तय करनी होगी और इसी को लेकर के ये सलाह मशवरा और ये तमाम चीजें तय की जा रही है ताकि आने वाले समय में मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जा सके।